इसमें 19 जिले शामिल हैं जहां ये चुनाव होगा। आज मतदान दल सभी जगहों से रवाना हो रहे हैं, काफी जगहों पे ये काम जैसे अभी हरदा बात हुई, हरदा से 100% पार्टियां जा चुकी, भोपाल में करीब 95% पार्टियां रवाना हो चुकी, तो धीरे धीरे सभी जगह यही स्थिति है कि अधिकांश पोलिंग पार्टीज अपने अपने गंतव्य की ओर जा चुकी हैं। खास बात यह है कि इस चरण में कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी है। इसी तरह केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया गुना से मैदान में हैं। इनके सामने कांग्रेस की यादवेंद्र राव देशराज सिंह हैं। तो वहीं राजगढ़ से पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के सामने बीजेपी के रोडमल नागर हैं। इसी तरह विदिशा से पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान मैदान में हैं। तो उनके सामने कांग्रेस के प्रताप भानु शर्मा प्रत्याशी हैं। तीसरे चरण के ये वो प्रत्याशी हैं जिनकी सीटें हाई प्रोफाइल हैं और इन पर देश भर की निगाहें टिकी हुई हैं। टीम न्यूज स्टेट। और इस वक्त मेरे दो सहयोगी जुड़ गए हैं बातचीत करने के लिए। इस वक्त आपको बता दें कि विनोद जुड़ गए हैं मेरे साथ और साथ ही गौरव भी जुड़ गए हैं। दोनों जगह आपको बता दें कि ग्वालियर में भी मतदान है और इसके अलावा भोपाल में भी मतदान होना है और पूरे प्रदेश के क्या समीकरण है वो जरा समझेंगे। सबसे पहले गौरव बताइए, भोपाल की अगर हम बात कर लें तो किस तरह की तैयारियां दिख रही हैं, किस तरह का उत्साह, और खासकर हम बात करें समीकरण किस तरह के बनते हुए दिख रहे हैं इस बार के चुनाव में। देखिए, अगर मध्य प्रदेश के हम नौ लोकसभा सीटों की बात करें जिन पर कल मतदान होने हैं, तो ये वो लोकसभा सीटें हैं जिस पर बीजेपी काफी लंबे समय से जीतती आ रही है और यहां पर बीजेपी काफी मजबूत इस बार भी मानी जा रही है। लेकिन ग्वालियर चंबल संभाग की कुछ सीटों पर जरूर कांग्रेस अपने आप को मजबूत मान रही है, लेकिन अगर हम जिन अलग सीटों की बात करें जिनमें सागर की बात करें, विदिशा की बात करें, गुना की बात करें या भोपाल की बात करें, तो इन लोकसभा सीटों पर बीजेपी अपना दावा ठोक रही है कि इस बार यहां पर हम ज्यादा ज्यादा बहुमत के साथ जीत रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा मार्जिन के साथ हम लोग यहां पे जीत रहे हैं। क्योंकि देखिए, विदिशा एक ऐसी लोकसभा सीट है जहां से पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान चुनावी मैदान पे हैं, तो वहीं उनके सामने प्रताप भानु शर्मा चुनावी मैदान में हैं। लेकिन शिवराज सिंह चौहान को लेकर तो यह कहा जा रहा है कि मध्यप्रदेश में जितने भी लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़े जा रहे हैं उसमें शिवराज सिंह चौहान का मार्जिन उन सीटों में काफी ज्यादा रहने वाला है। लेकिन अगर हम गुना की बात करें तो यहां से केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया चुनावी मैदान में है, जो अपने आप में काफी मजबूत कैंडिडेट माने जा रहे हैं। वहीं अगर हम भोपाल की बात करें तो भोपाल एक तरीके से बीजेपी के गढ़ के रूप में देखा जाता है। आलोक शर्मा यहां से कैंडिडेट हैं और आलोक शर्मा भोपाल से महापौर रहे हैं और जब वो महापौर थे उस दौरान भी उनके काम को भोपाल के लोगों ने काफी सराहा था और इस बार लोगों ने ये उम्मीद जताई हुई है कि अगर आलोक शर्मा जीत कर आते हैं तो भोपाल में उसी तरह से काम करेंगे जैसे कि वो उन्होंने महापौर रहते हुए काम किया था। क्योंकि अब तक के जितने महापौर भोपाल में रहे उनमें सबसे एक्टिव महापौर के तौर पर आलोक शर्मा का नाम आता है और अब वो सांसद के मैदान में है, संसदीय चुनाव इस बार वो लड़ रहे हैं। ऐसे में उम्मीद है लोगों को कि इस बार वो जीतेंगे और भोपाल में एक तरफा माहौल की अगर हम बात करें तो एक लहर जरूर देखने को मिल रही है। क्योंकि देखिए, हमने कई जगह पे ग्राउंड रिपोर्ट भी की, कई जगह पे हम लोगों के बीच में भी पहुंचे, तो एक तरफ जहां स्थानीय मुद्दे हावी ज्यादा नहीं दिखे तो वहीं राष्ट्रीय मुद्दों ने इस बार काफी ज्यादा पकड़ बनाई हुई है। एक तरफ जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर इस बार का भी पूरा चुनाव लड़ा जा रहा है, तो वहीं राष्ट्रीय मुद्दे इस बार के चुनाव में मध्यप्रदेश की इन लोकसभा सीटों पर भी हावी दिख रहे हैं, जिसमें राम मंदिर की बात करें या हम धारा 370 की बात करें तो ये तमाम मुद्दे इस बार यहां पर हावी हैं। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि बीजेपी एक तरीके से यहां पर मजबूत स्थिति में है, लेकिन फिर भी कांग्रेस कहीं ना कहीं फोकस होने की बात कर रही है। खासकर चंबल संभाग में कांग्रेस अपने आप को कुछ सीटों पर मजबूत बता रही है। बिल्कुल, वो समीकरण क्या है वहां की वो समस्या है। विनोद भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनोद, अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो उसमें ग्वालियर चंबल अंचल में कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव के दौरान भी अच्छा किया, खुद ज्योतिरादित्य सिंधिया की जो लोकसभा सीट है वहां से ज्यादा विधायक कांग्रेस के चुनकर आए, चाहे वो फिर बात नगर निगम के चुनाव की रही हो। अब लोकसभा के चुनाव में किस तरह के समीकरण, अगर हम इस पूरे अंचल में जो सीटें हैं भिंड, मुरैना, ग्वालियर, इनकी अगर हम बात करें तो किस तरह के समीकरण, कौन से मुद्दे हावी दिखे हैं इस बार? बिल्कुल, देखिए लोकेंद्र, मैं बता दूं ग्वालियर चंबल अंचल की 34 जो विधानसभा सीटें थी उसमें से बीजेपी के पास 18 और कांग्रेस के पास 16, लगभग एक तरह से देखिए बराबर का ही मुकाबला रहा है। और लोकसभा चुनाव की जो चार सीटें हैं, गुना, भिंड, मुरैना और ग्वालियर, इनमें तीन सीटें ऐसी हैं जहां कड़ा मुकाबला बताया जा रहा है, चाहे वो ग्वालियर की सीट हो, भिंड की हो या मुरैना की हो। क्योंकि यहां मैं बता दूं केंद्र सरकार की और
जितनी भी योजनाएं हैं जिसके आधार पर ये चुनाव लड़ा जा रहा है उनसे ज्यादा यहाँ जातिवाद प्रभावी रूप से देखा जा रहा है। मुरैना की अगर बात करते हैं तो मुरैना में दो क्षत्रिय साथी एक वैश्य वर्ग का उम्मीदवार चुनाव मैदान में है, बहुजन समाज पार्टी से वहां त्रिकोणीय मुकाबला बताया जा रहा है। ग्वालियर में सीधा सीधा जो कांटे का मुकाबला है वो ओबीसी वर्सेज सामान्य वर्ग के बीच हो गया है। और भिंड में मुकाबला फूल सिंह बरैया कांग्रेस के उम्मीदवार हैं तो भारतीय जनता पार्टी से संध्या राय जो वर्तमान की विधायक हैं वहां क्षेत्रीय और बाहरी का एक तरह से मुद्दा उठाया जा रहा है। यानी फूल सिंह बरैया भिंड जिले के रहने वाले हैं, महगांव के रहने वाले हैं और संध्या राय मुरैना की थी तो अब वो भी एक मुद्दा यहां जनता के बीच में। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए जिस तरह से कांग्रेस इस चुनाव को लड़ रही है इन तीनों लोकसभा सीटों पर उसमें बड़ी भूमिका उनकी छवि रही है, उन कार्यकर्ताओं की उन नेताओं की जो टिकट लेकर आए और उनकी छवि काफी महत्वपूर्ण है। उसके आधार पर जनता को लुभाने की कोशिश की गई पूरे चुनाव प्रचार के दौरान। अब देखिए अब कुछ ही घंटे बचे हैं लोकेंद्र, इसके बाद जनता का एक तरह से माइंड सेट हो गया है कि उसको वोट कहाँ देना है। अगर कहीं कोई छूट गया तो उसके लिए रात का वक्त बचा है इन प्रत्याशियों के लिए, किसी रूठे को अगर मनाना हो, मनाने के बाद वोटों को अपने समर्थन में करना हो तो मोबाइल से मैसेज कर दें या कैसे भी उनसे बात कर लें, वीडियो कॉलिंग से बात कर लें, क्योंकि समय नहीं रहा। लोकसभा क्षेत्र बहुत बड़ा होता है कि आप सभी रूटों के पास पहुंच पाए, तो ऐसे में उस टेक्नोलॉजी का सहारा आज दिया जा सकता है जो कम्युनिकेशन तकनीकियां हैं। तो चुनाव बहुत कांटे का होने वाला है तीनों लोकसभा सीटों पर। एक ज्योतिरादित्य सिंधिया की सीट की बात करें तो उस सीट पर एक नया समीकरण निकल के आया, क्योंकि वहां पिछली बार यादव भारतीय जनता पार्टी से थे और ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस से, इस बार उल्टा हुआ, ज्योतिरादित्य बीजेपी में है और यादव कांग्रेस में है और सिंधिया ने काफी हद तक यादवों को अपने पक्ष में करने की कोशिश भी की है। एक तरह से उनके पास एक सर्व जाति का गुलदस्ता उन्होंने बनाया इस लोकसभा क्षेत्र में और पूरा के पूरा परिवार, चाहे वो उनकी पत्नी प्रियदर्शनी राजे सिंधिया हो या उनके बेटे महानारिमन सिंधिया, पूरा के पूरा परिवार जाति भेद मिटाकर हर वर्ग के हर समूह के लोगों के साथ बैठे नजर आए, रोटी बनाते नजर आए, खाना खाते नजर आए, ढोल बजाते नजर आए। हर किसी ने अपनी मेहनत की है विनोद, और यहाँ पर देखने यही है कि कल परीक्षा है इन सभी की और जनता किसको पास करती है ये कल तय हो जाएगा। हालांकि नतीजे जरूर 4 तारीख को आएंगे और न्यूज स्टेट पर कल हमारे दोनों सहयोगी आपको लगातार सुबह से देखने को मिलेंगे और पल पल की जो ग्राउंड रिपोर्ट